धनतेरस के दिन मुख्य द्वार पर रखे ये पांच चीज़ें हो जाएंगे मालामाल। धनतेरस के दिन यदि आप घर के मुख्य द्वार को वास्तु के अनुसार सजाएंगी तो आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास रहेगा, कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। दीपावली का उत्सव मुख्य रूप से पाँच दिन तक बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व की शुरुआत धनतेरस के दिन से ही हो जाती है और ये भाई दूज के दिन समाप्त हो जाता है। इन पाँच दिनों में धनतेरस सबसे पहले आता है, इसलिए इस धनतेरस का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से ही प्रकाश के उत्सव का आरंभ होता है और इसी वजह से इस दिन कई ऐसी वस्तुओं के उपाय आजमाने की सलाह दी जाती है जिनसे आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहे। ऐसे ही उपायों में से एक है धनतेरस के दिन घर के मुख्य द्वार को सजाना। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन मुख्य द्वार पर कुछ विशेष चीज़ें रखता है उससे घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है, धन की वर्षा होती है। इस साल धनतेरस 10 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन यदि आप बताए नियमों के अनुसार घर के मुख्य द्वार को सजाएंगी तो पूरे साल आपके घर में धन की वर्षा होगी तथा धन की कमी कभी नहीं होगी। धनतेरस के दिन यदि आप मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के चरण रखती हैं तो घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है। मुख्य द्वार के बाईं तरफ लक्ष्मी जी का चरण लगाएं। इस प्रकार लगाएं कि चरण बाहर से भीतर की ओर आ रहे हो। दरअसल ये माता लक्ष्मी के प्रवेश की ओर संकेत करता है। धनतेरस के मुख्य रूप से लक्ष्मी के आगमन का दिन माना जाता है, इसलिए यह चिन्ह आपके घर के लिए शुभ माने जाते हैं। दूसरा है प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक जरूर बनाएं। यदि आप घर की समृद्धि चाहती हैं तो घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह आवश्यक बनाएं। हिंदू धर्म में इस चिन्ह को माँ लक्ष्मी के चिन्ह के रूप में प्रतीक माना जाता है और मान्यता है कि यदि आप धनतेरस के दिन मुख्य द्वार पर यह चिन्ह बनाती हैं या फिर दरवाजे पर लटकाती हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर के सदस्यों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। तीसरा है मुख्य द्वार पर बंधन बार लगाएं। धनतेरस के दिन घर के मुख्य द्वार को अच्छी तरह से साफ सफाई करें तथा ताजे फूल और पत्तों का बंधन बार लगाएं। यदि आप बंधन बार के लिए आम और अशोक के पत्तों का इस्तेमाल करेंगी तो ये आपके लिए मुख्य रूप से फलदायी होगा। ऐसा माना जाता है कि आम का पत्ता माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है और मुख्य द्वार में इसका प्रयोग से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। चौथा है मुख्य द्वार पर घी का दिया रखें। धनतेरस के दिन से ही दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है, इसलिए आपको इस दिन मुख्य रूप से मुख्य द्वार पर घी का दिया जलाकर रखना चाहिए। इसे प्रवेश द्वार के ठीक बाईं तरफ रखें और इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां प्रवेश के लिए ऊर्जा बाधित ना हो। दिया मुख्य रूप से बाहर की तरफ रखें। घर में प्रवेश करते समय परिवार के प्रत्येक सदस्य को इसका दर्शन करना चाहिए और माँ लक्ष्मी से घर की समृद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि खुले स्थान बिल्कुल भी बाधित ना हो, यह ऊर्जा को अवरोध करता है। पांचवा और अंतिम है तुलसी का पौधा। धनतेरस के दिन आपके घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा और मनी प्लांट का पौधा रखना चाहिए, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि ये पूरी रात के लिए घर के बाहर ना छोड़े, बल्कि संध्या काल से रात्रि के समय तक ही इसे घर के बाहर रखे, फिर इसे घर के भीतर कर ले। तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है, इसलिए
इस पौधा का मुख्य द्वार पर धनतेरस के दिन जरूर रखना चाहिए। इसमें माता लक्ष्मी आकर्षित होती है, घर में कभी धन की कमी नहीं होती है।